कौन बनेगा टीम इंडिया का नया हेड कोच? टीम इंडिया के हेड कोच की सैलरी जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। क्या एमएस धोनी, गौतम गंभीर या फिर रिकी पॉन्टिंग होंगे टीम इंडिया के हेड कोच? आईपीएल के बीच टीम इंडिया के नए कोच को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। साथ ही टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ की भी विदाई तय मानी जा रही है, क्योंकि द्रविड़ का कार्यकाल T20 विश्व कप 2024 के साथ समाप्त हो जाएगा। ऐसे में भारतीय टीम के नए कोच को लेकर भी हलचल शुरू हो गई है, यानी टीम इंडिया को अपना नया कोच विश्व कप के बाद मिलना तय है। नए कोच को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नए कोच की नियुक्ति को लेकर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, जिसकी जानकारी बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दिया। साथ ही बोर्ड ने नए कोच के चुनाव के लिए तमाम कंडीशंस भी सामने रख दिए। इनमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं जो BCCI सचिव जय शाह के द्वारा रखी गई है। हम आपको इन शर्तों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले नए कोच से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया के बारे में आपको बताते हैं, जिसके द्वारा कोच पद के लिए आवेदन किया जाएगा। आवेदक 27 मई 2024 शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। नए कोच का कार्यकाल करीब 3.5 साल का होगा। नए कोच का कार्यकाल 1 जुलाई 2024 से दिसंबर 2027 तक होगा। टीम इंडिया नए कोच के साथ ही 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 T20 विश्व कप और 2027 वनडे विश्व कप भी खेलेगी, साथ ही 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी। मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ भी कर सकते हैं आवेदन। अगर राहुल द्रविड़ को फिर से टीम इंडिया के कोच बनने में रुचि होगी तो उन्हें भी कोच पद के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। नए कोच के आवेदन प्रक्रिया के साथ साथ आवेदक के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं भी तय कर दी गई हैं। अगर योग्यता की बात करें तो आवेदक की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए, कम से कम 30 टेस्ट या 50 वनडे मैचों का अनुभव होना चाहिए, आईपीएल टीम, अंतर्राष्ट्रीय लीग या फिर प्रथम श्रेणी टीमों के प्रमुख कोच रहे हों, नेशनल ए टीम के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्यकाल रहा हो, पूर्ण सदस्य टेस्ट प्लेइंग नेशन का कम से कम 2 साल तक का मुख्य कोच रहा हो, आवेदक का BCCI लेवल 3 सर्टिफिकेशन या उससे ज्यादा होना चाहिए। और अब आपको बताते हैं BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने जो बड़ी शर्तें रखी है नए कोच के लिए। टीम को हर कंडीशंस के लिए तैयार करना, ताकि टीम देश विदेश हर जगह अच्छा प्रदर्शन करे। तीनों फॉर्मेट की सफलता पर ध्यान देना होगा, यानी वनडे, टेस्ट और T20 पर। भविष्य के क्रिकेटरों को तैयार करना होगा। टीम में प्रदर्शन के साथ साथ अनुशासन का भी रिव्यू करना होगा। सहायक कोच और अन्य स्टाफ को उनका रोल बताएगा और उनके प्रदर्शन को भी नोट किया जाएगा। टीम के प्रदर्शन के अलावा टीम मैनेजमेंट को भी सुचारू रूप से चलाना होगा। आपने देखा कि टीम इंडिया के नए कोच के लिए आवेदन प्रक्रिया, योग्यताएं और BCCI की शर्तें क्या है। अब आपको बताते हैं टीम इंडिया के हेड कोच की सैलरी के बारे में, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ को बतौर फीस करीब 10 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं। इसके बाद जो कोच बनेंगे उन्हें कितनी फीस मिलेगी ये BCCI पर निर्भर करेगा, यानी नए हेड कोच की सैलरी अभी फिक्स नहीं है। वहीं BCCI सूत्रों के अनुसार इस बार वो कैंडिडेट से निगोशिएशन करेंगे और अनुभव के आधार पर उनकी सैलरी तय करेंगे। अगर राहुल द्रविड़ की बात करें तो वो बीते 2.5 साल से टीम इंडिया के हेड कोच हैं। द्रविड़ की कोचिंग में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल, ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 और वनडे वर्ल्ड कप 2023 तक के फाइनल का सफर तय किया, लेकिन टीम इन तीनों में से कोई भी ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सकी, जिसे लेकर कई सवाल भी उठे, खासकर T20 फॉर्मेट को लेकर। नए कोच के लिए कुछ खिलाड़ियों के नाम चल रहे हैं, जिनमें गौतम गंभीर, MS धोनी, मोहम्मद कैफ, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, सौरभ गांगुली का नाम शामिल है। हालांकि हम इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करते। कौन भारतीय टीम का नया मुख्य कोच होगा इसे लेकर जल्द ही जानकारी सामने आ जाएगी, जैसे ही आवेदन करना लोग शुरू करेंगे। और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या किसी विदेशी को एक बार फिर से टीम इंडिया का कोच बनाया जाता है या नहीं, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग का नाम भी चर्चा में है। हालांकि भारतीय फैंस का बस यही कहना है कि कोच कोई भी हो तो बॉस, हमें तो सिर्फ ICC ट्रॉफी चाहिए। 11 साल हो गए बॉस, विश्व कप ट्रॉफी का सपना कब होगा अपना, यानी कब पूरा होगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।